हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे हाइट वर्ग के ऊपर, जिसमें जानेंगे कि हाइट वर्ग क्या होता है, हाइट वर्ग का प्राइमरी हजार्ड क्या है, सेकेंडरी हजार्ड क्या है या एसोसिएटेड हजार्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज इसमें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइट वर्ग क्या होता है। हाइट वर्ग का मतलब है वर्क डैट कैरिड आउट एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 1.8 मीटर, यानी वैसी एक्टिविटी जो मोर देन 1.8 मीटर पे किया जाता है वो वर्क एट हाइट में कंसीडर किया जाता है। अब ये देखना है कि इट इज़ कंसीडर बिलो ग्राउंड लेवल ऑल्सो, ये सिर्फ हाइट के ऊपर जाने में ही कंसीडर नहीं होता है। अगर किसी गड्ढे में काम करना है और उसकी भी अगर डेप्थ है जो 1.8 मीटर से ज़्यादा है, तो हम ग्राउंड लेवल के नीचे भी जा रहे हैं तो भी उसको हाइट वर्क में कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे कैसे एबव ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ऊपर जा रहे हैं तो भी, नियर एनी एज, अगर कहीं पे ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे एज है और उससे गिरने का डर है और वो काफ़ी हाइट है या काफ़ी डेप्थ है, तो उस केस में अगर किसी एज के ऊपर काम करते हैं तो वो भी वर्किंग एट हाइट में कंसीडर किया जाएगा। एंड फ्लोर ओपनिंग, तो बहुत सारे फ्लोर बनते हैं कंस्ट्रक्शन में और अलग अलग एरिया में, तो वहाँ पे जो फ्लोर ओपनिंग होगा वहाँ पे भी अगर काम कर रहे हैं तो डेट विल ऑल्सो कंसिडर वर्क एट हाइट। तो इन सारे जगहों पे अगर काम करते हैं तो इसको वर्क एंड हाइट में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे पता चलेगा कि हाइट वर्क है। इरेक्टिंग एनी थिंग एबव 1.8 मीटर हाइट, ये हाइट वर्क होगा। इरेक्टिंग एंड डिसमेंटिंग उसका फोल्ड, ये हाइट वर्क है। फिक्सिंग पाइप वर्क एवन 1.8 मीटर हाइट, यानी पाइप फिक्सिंग वर्क कर रहे हैं 1.8 मीटर से ज़्यादा पे तो भी हाइट वर्क होगा। लैम्प पोस्ट फिक्सिंग एवन 1.8 मीटर, लैम्प पोस्ट को अगर फिक्स कर रहे हैं अगर उसकी हाइट 1.8 से ज़्यादा है तो भी हाइट वर्क होगा। वर्किंग ऑन फ्रेगाइल रोप, तो वर्किंग ऑन फ्रेगाइल रोप खास करके ये वेयर हाउस वगैरह में होते हैं तो वहाँ पे भी अगर आप काम करते हो तो इस केस में भी इसको हाइट वर्क में कंसिडर किया जाएगा। चलिए अब इसके प्राइमरी हजार्ड की बात करते हैं कि हाइट वर्क तो जान लिया क्या होता है, तो इसमें प्राइमरी हजार्ड्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी प्राइमरी हजार्ड है, वर्कमैन फेल फ्रॉम हाइट, आदमी का ऊपर से गिरना, या मटेरियल फेल फ्रॉम हाइट, मटेरियल का ऊपर से गिरना। तो वो फॉल कैन बी फ्रॉम, कैसे हो सकता है, गिरते किस तरह से गिरते हैं, फॉल ऑफ मटेरियल हो गया और फॉल ऑफ पर्सन हो गया। तो फॉल कैन बी फ्रॉम क्या होगा, लैडर से गिर सकते हैं, इसका फोल्ड से गिर सकते हैं, एरियल लिफ्ट से गिर सकते हैं, परमानेंट प्लेटफॉर्म से भी गिर सकता है, टावर से गिर सकता है, सस्पेंडेड वर्क प्लेटफॉर्म से गिर सकता है। तो ये सारे जो हो गए ये हैं प्राइमरी हजार्ड। अब हम सेकेंडरी हजार्ड की अगर बात करें तो इसमें सेकेंडरी हजार्ड क्या क्या होगा। पहला होगा स्लिप एंड ट्रिप हो सकता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन भी हो सकता है क्योंकि हाइट वर्क में हम एक्टिविटी करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप इलेक्ट्रोक्यूशन पॉसिबल है। हेल्थ एस्पेक्ट हो सकता है, चलिए हेल्थ एस्पेक्ट बाद में बात करेंगे, हेल्थ एस्पेक्ट कौन कौन से एस्पेक्ट को कंसिडर इसमें नहीं करना चाहिए हाइट वर्क में। नेक्स्ट है फायर हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे हम लोग ग्राइंडिंग एक्टिविटी करते हैं, बिल्डिंग एक्टिविटी करते हैं, उसमें सारे में चिंगारी निकलती है, वहाँ पे ओपन फ्लेम होता है या गैस कटिंग करते हैं हाइट पे, तो इसके कारण फायर लग सकता है। स्ट्राइक बाई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से टकराना, ये भी हो सकता है। रिस्क बिहेवियर करना, रिस्क मतलब ज़्यादा रिस्क लेके किसी काम को करना, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। एडवर्स वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन अगर ठीक नहीं है और उसमें काम कर रहे हैं तो वहाँ भी ये हजार्ड है। तो ये सारे हैं जो सेकेंडरी हजार्ड का अभी आपने अभी अभी एग्जाम्पल देखा। आप देखेंगे कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हाइट वर्क हजार्ड के लिए, तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हाइट वर्क हजार्ड, तो क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क, काम किस तरह का है और उस काम को कितनी देर के लिए किया जाना है, तो इसके ऊपर भी निर्भर करता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी इस पे है जो इसको हम देंगे, जैसे कि पुअर लाइटिंग है वो गलत है, ग्लेयर है तो ज़्यादा ग्लेयर है तो दिखेगा नहीं, बैड वेदर में काम कर रहे हैं हाइट पे ये गलत है, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड अवेयरनेस, यानी हाइट वर्क के इस पर वैसे आदमी को लगाना जिसके पास हाइट वर्क का नॉलेज नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, उसके बारे में कोई उसको जानकारी नहीं है, तो वैसे वर्करों से हाइट काम कराना खतरनाक हो सकता है।
नन यूज ऑफ फॉल प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, तो यहाँ पे है जो प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाना भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बर्केट हाइट हजार्ड के लिए। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन नहीं होना या इंस्ट्रक्शन उसका नहीं होना या सुपरविजन उसका नहीं किया जाना, ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नहीं दिया जाना, तो ये सारे जो हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर हाइट हजार्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एसोसिएटेड जो हजार्ड होते हैं, रिस्क होते हैं, कैसे होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक्यूशन एंड इट्स कॉजेज, तो इलेक्ट्रिक्यूशन क्यों होता है और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इम्प्रॉपर केबल रूटिंग, केबल का रूटिंग सही करके नहीं रखना। आप देखते होंगे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट पे पावर केबल एक दूसरे से इंटेंगल होते हैं, पावर केबल, गैस कटिंग होज, बिल्डिंग केबल सभी एक दूसरे से इंटेंगल होते हैं, जो कि गलत है। इसलिए इम्प्रॉपर केबल रूटिंग के कारण भी यहाँ पे एक्सीडेंट इलेक्ट्रिक्यूशन होता है। इम्प्रॉपर अर्थिंग, इक्विपमेंट के साथ अर्थिंग का इस्तेमाल नहीं करना या जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अर्थिंग का प्रोविजन नहीं दिया जाना, तो इसके कारण भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। डिफेक्टिव पावर टूल्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना, जो पहले से खराब है अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत है। नेक्स्ट है वर्किंग नियर हाई टेंशन पावर लाइन यूजिंग मेटेलिक लैडर, हायर पावर लाइन के पास काम कर रहे हैं और वहाँ पे उसमें भी हमने मेटेलिक लैडर का इस्तेमाल किया है, जो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, तो ये गलत है। वर्किंग ऑन बेड सरफेस, तो बेड सरफेस पे काम नहीं करना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है। अब हेल्थ एस्पेक्ट की बात करें कि हाइट वर्क में कौन कौन सा ऐसा हेल्थ एस्पेक्ट है जिसको कंसीडर किया जाता है, और अगर किसी व्यक्ति के पास ये सारी प्रॉब्लम है तो उनको हाइट वर्क में काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे सबसे पहले हाइट फोबिया, जिसको हाइट में जाने से डर लगता है, तो वैसे लोगों को हाइट वर्क में कंसिडर नहीं करना चाहिए। वर्टिगो, चक्कर आना, अचानक चक्कर आना, तो ऐसे लोगों को हाइट वर्क में अलाउ नहीं किया जाता है। थर्मल स्ट्रेस तो बहुत सभी को हो सकता है, क्योंकि हाइट में अगर गर्मी के दिनों में काम कर रहे हैं तो थर्मल स्ट्रेस हो सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे पानी वगैरह का अरेंजमेंट करना, ज़्यादा पानी पीना है। और नेक्स्ट देखेंगे एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी हिंदी में बोलते हैं, इसमें सडन ही किसी को बेहोश हो जाता है, तो ऐसे भी व्यक्ति जिसको मिर्गी है उसको हाइट वर्क में कंसिडर नहीं करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं एसोसिएटेड हजार्ड एंड रिस्क में ही देखते हैं कि वर्कमैन फेल फ्रॉम हाइट से काउजेज क्या है, वर्कमैन ऊपर से गिरते हैं उसका रीजंस क्या है। तो पहला रीजन है इम्प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म, यानी वर्किंग प्लेटफॉर्म का सही नहीं होना, वर्किंग प्लेटफॉर्म के स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करना। अनबैरिकेडेड ओपनिंग और पेरीफेरी, वैसे जगह से जहाँ गिरने का डर है तो वहाँ पे है जो बैरिकेडेशन नहीं किया हुआ है, अनबैरिकेडेड है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। अस्का फोल्डिंग का कोलैप्स हो सकता है, अगर गलत ढंग से अस्का फोल्ड को इरेक्शन किया गया है या गलत सरफेस पे किया गया है, जहां सरफेस ठीक से कंपैक्टेड नहीं है या इसके स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं किया गया, बेस प्लेट सोल प्लेट नहीं डाला गया है, तो ऐसे केस में भी इसका फोल्ड कोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे नो प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, तो एक्सेस और एग्रेस अगर प्रॉपर नहीं दिया जाएगा तो उस कंडीशन में वर्कमैन गलत काम करेंगे और जिसके कारण वर्कमैन गिर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे वायल स्प्लेज, अगर आयल स्प्लेज है तो सीढ़ी पे अगर ये सूज में अगर आयल लग गया सीढ़ी के उसके लक्ष पे लगा हुआ है तो स्लिप होने का डर रहता है। इलेक्ट्रिक शॉक, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने रूटिंग केबल थ्रू अस्का फोल्डिंग, केबल का रूटिंग किया गया है थ्रू अस्का फोल्डिंग, जिसके कभी कभी है जो अगर वायर कटे हुए हैं तो पूरे अस्का फोल्ड में करेंट आ जाते हैं, तो जिसके कारण इलेक्ट्रिक शॉक वहाँ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी केबल रूटिंग को अस्का फोल्डिंग के थ्रू नहीं करना चाहिए। हॉर्स प्ले, हंसी मजाक तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है हाइट पे, हॉर्स प्ले करने से भी एक्सीडेंट होते हैं और आदमी ऊपर से गिर जाता है। नन यूज ऑफ पीपी, पीपी का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे इसके लिए फुल बॉडी हार्नेस का प्रोविजन है, जिसको हाइट पे जा रहे हैं तो पहनना है, इसको एंकर करना है प्रॉपरली और सही ढंग से एंकर करना है। चलिए अब देखते हैं एसोसिएटेड हजार्ड में काउजेस मटेरियल फेल फ्रॉम हाइट का कुछ और भी चीज़ें हैं। इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड सिक्योरिंग ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल जो गिरने का जो रीजन होता है वो क्या होता है, मटेरियल को एक तो ठीक से सिक्योर नहीं करना या इम्प्रॉपर हैंडलिंग करना, जिसके कारण है जो मटेरियल नीचे गिर जाते हैं। ओवरलोडिंग, मतलब आवश्यकता से अधिक ओवरलोड कर दिया या ओवर स्टैकिंग एक पे एक ज़्यादा रख दिया, तो उसकी एक लिमिट होती है, ज़्यादा हाइट रखने से फिर वो झुकने लगेगा और उसके बाद वो गिर जाएगा।
इनएडिक्वेट हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग को सही ढंग से नहीं करना, ये भी है जो फॉल मटेरियल फॉल फ्रॉम हाइट का एक मेन रीजन है। स्ट्रक बाई मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल जैसे कि क्रेन या कुछ और चीज़ें हैं जिससे है जो कि टकराने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हॉर्स प्ले, हंसी मजाक नहीं करने हैं। उसके बाद लैक ऑफ मटेरियल फॉल प्रोटेक्शन, यानी ये जो मटेरियल गिरे नहीं उसके लिए जो फॉल प्रोटेक्शन लगाए जैसे कि टो बोर्ड हुआ, सेफ्टी नेट हुआ, तो ये सारे चीज़ों का प्रोविजन अगर नहीं देते हैं तो मटेरियल सीधा नीचे डायरेक्ट आदमी पे गिरेगा। अब हम देखेंगे कि स्लिप एंड ट्रिप भी होता है, तो स्लिप एंड ट्रिप होने के पीछे क्या क्या रीजन है, क्यों स्लिप एंड ट्रिप होता है। तो पहला है कि फ्लोर में ऑब्स्ट्रक्शन होना, यानी फ्लोर का अप डाउन रहना ऊपर नीचे, तो उसके कारण भी स्लिप एंड ट्रिप हो सकते हैं। फ्लोर का प्रोजेक्शन, यानी फ्लोर का प्रोजेक्शन दिया हुआ हो, निकला हुआ हो, या बेड अ स्लिपरी सरफेस हो, तो इसके वजह से भी वहाँ पे स्लिप एंड ट्रिप हो सकता है। और लास्ट है नन यूज ऑफ पीपी, पीपी का इस्तेमाल नहीं करना, जिसके कारण भी एक स्लिप एंड ट्रिप का कॉसेज हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने हाइट वर्ग क्या है उसके बारे में जाना, उसका प्राइमरी हजार्ड है क्या है वो जाना, सेकेंडरी हजार्ड क्या है वो जाना, एसोसिएट हजार्ड एंड रिस्क क्या है वो जाना, कॉजेज ऑफ मटेरियल फॉल फ्रॉम हाइट ये जाना, एंड कॉजेज ऑफ मैन फॉल फ्रॉम हाइट, ये सारी चीज़ों को अभी आपने जाना। तो चलिए अब यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।